नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं नितेश शर्मा हर्षित इंडस्ट्रीज से आज आपके सामने एक इंक्वायरी के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। हमारे एक मित्र का प्रश्न है कि डोसा बनाते समय डोसा प्लेट के ऊपर क्यों चिपकता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हर्षित इंडस्ट्रीज पे। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कारण हो सकता है, मशीनरी का फॉल्ट है या कुछ दूसरा कारण है। इसी विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगा और हमसे जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मशीनों का, हर प्रकार की मशीनों का जो किचन से संबंधित हैं, उसके अंदर अपडेट आपको मिलेगा। यदि आपका प्रश्न है किसी नए विषय को लेकर, नई टेक्निक को लेकर, नई प्रॉब्लम को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो डोसा प्लेट बना हुआ है उसकी जो प्लेट की थिकनेस रहती है दोस्तों, कम से कम 10 mm होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10 mm की प्लेट से अगर नीचे कोई थिकनेस का प्लेट है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा, अगर आपकी प्लेट के और बर्नर के बीच में डिस्टेंस जो है वो यदि कम है तो दोस्तों वो टेम्परेचर जो है वो आपकी प्लेट के अंदर ना आकर वो टेम्परेचर आपके चैम्बर के अंदर ज़्यादा फैलेगा। तो टेम्परेचर जितना ही प्लेट के ऊपर जाएगा उतना ही टेम्परेचर वो आपके डोसा भट्टी के नीचे जनरेट करेगा, जिसके कारण आपकी डोसा भट्टी की साइडें जो हैं वो आपकी ज़्यादा गर्म हो सकती हैं। गर्म तो देखिए होती ही है, पर ओवरहीट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं साइडों पर, प्लेट पर कम डालती हैं, साइडों पर ज़्यादा डालती हैं। तो कम से कम बर्नर के और प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो कम से कम 3 inch यानी कि 75 mm के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 75 mm यानी कि 3 inch का डिस्टेंस आप प्लेट के और बर्नर के बीच में दीजिए, जिससे कि आपका जो फ्लेम है, जो बर्नर का फ्लेम है, वो आपके तवे पर सही तरीके से पड़ सके और वो सही तरीके से आपकी प्लेट को हीट करे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्लेट को ओवरहीट होने से बचाइएगा, क्योंकि दूसरा कारण जो होता है ओवरहीट होने के कारण होता है। अगर आपका इस्तेमाल नहीं है, यूज़ नहीं है, तो आप बर्नर को बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। ओवरहीट होने से जो तवा का जो टेम्परेचर है होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जैसे ही आप उसके ऊपर बैटर डालते हैं या आप बनाने की कोशिश करते हैं तो वो चिपक जाता है। और दोस्तों दूसरा कारण डोसा चिपकने का ये भी हो सकता है कि कुछ नए मिस्त्री जो होते हैं, नए तरीके के जो कारीगर होते हैं, जो कि नए नए शेफ़ बनते हैं, मैं पुराने शेफ़ों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पुराने शेफ़ जो होते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें हर चीज़ का पूरा नॉलेज होता है, मशीनरी का भी नॉलेज होता है। इनफैक्ट हमारी कहीं कहीं पर हमसे भी अगर कोई गलती होती है तो शेफ़ जो है वो हमें प्रयास करते हैं समझाने का, और हम कहीं ना कहीं उनसे गाइडलाइंस हमें भी मिलती है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर तरीके से पूरा हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो दोस्तों मैं उन शेफ़ों की बात करूंगा जो कि नए तरीके से काम को करना शुरू करते हैं और नए होते हैं, उनको तरीका जो है कम पता होता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बनाते हैं तो टाइमिंग एफिशिएंसी जो होती है हर एक सामान को पकाने का, बनाने का एक टाइमिंग होता है कि वह कितनी देर में पकता है, कितनी देर में पक जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर उस टाइमिंग से अगर आप कोई भी सामान पकाते हैं तो वो बढ़िया पकता है, चाहे वो बेकरी का हो, चाहे वो ग्रिल का हो, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो इडली हो, और चाहे वो किसी भी तरीके का आप सामान अगर पकाते हैं, अगर उसकी जो टाइमिंग है, अगर टाइमिंग का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों वो बहुत अच्छा पकता है और बहुत बेहतरीन पकता है, स्वादिष्ट भी पकता है। यदि आप उसके टाइमिंग से पहले या टाइमिंग के बाद अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्वाद में भी फ़र्क देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको जो सामान आपका है वो कच्चा भी रह सकता है अगर समय से पहले उतारेंगे, और जल भी जाता है यदि आप समय से
ज़्यादा उसको रखते हैं। तो दोस्तों ये भी एक कारण है कि आपको टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है कि आप कौन से सामान को कितना टाइम देते हैं उसे पकाने में, आप अपने समय के अनुसार ही उसको पकाएं। दूसरा दोस्तों, ये जो डोसा प्लेट बनाते समय जो एक टेक्निकली पॉइंट देखा जाता है, वो देखा जाता है प्लेट और बर्नर के बीच का जो डिफरेंस रहता है, वो मार्केट के अंदर अब तो कहीं ज़्यादा ऐसी ऐसी प्लेटें आ गई हैं जिसमें कि बर्नर लगा दिए जाते हैं, उनको अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसमें डिस्टेंस कितना रखा जाए। तो दोस्तों